जहाँ पर लोग बेरोजगार आते हैं और रोजगार की तलाश में आते हैं, जो जगह जगह फिर रहे होते हैं ना, रोडों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनको पता नहीं जॉब कैसे मिलेगी, वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अनस्किल्ड पर्सन भी मेरे पास आ जाए, हर तबके के लिए नौकरी मौजूद है। अच्छा, बहुत से लोग बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पर रेफर हुए हैं अलहमदुल्ला। अभी लास्ट टाइम हमने नफ़ से बताया कि KSA सऊदी अरब के लिए हमने सेफ्टी ऑफिसर, जो एक अच्छी अप्रोच की जॉब है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ऑयल एंड गैस हमने उसको भी रेफर किया। जो हमसे लोग मांगे गए हैं इनसे, उसको इसलिए मैच किया जाता है कि जिन्होंने हमें जॉब्स दी हैं मार्केटिंग के जरिए, तो वो अगर हम उनको उन तक सही लोग रेफर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा अप्रोच करेंगे। ये वो बेरोजगार तबका है कि जो नौकरी की तलाश में जिन मुख्तलिफ जगह जाना था कि जहाँ पर लोगों को रोजगार की तरफ रवाना किया जाता है, तो आज ये लोग आए। इनसे पूछा जाए कि क्यों आए, ये आपको बताएंगे कि आज ये क्यों जमा है यहाँ पर। हमने एक ऐड चलाई कि राइडर की जॉब के लिए 40+ तनख्वाह और 10,000 फील के अलग दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौर में ऐसा किया कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दुबई की जॉब प्रोवाइड की है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि टिकट का पैसा भी हमने दिया, वीजे का भी हमने दिया, और उन एजेंट माफिया को डेंट मारा है। खिदमत करने पर आए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको लोग प्रोवाइड हम करेंगे। आपको क्या चाहिए, इंटरनेशनल लोग चाहिए या बाहर के लोग चाहिए? आप GM to GM, गनमैन टू जनरल मैनेजर तक लोग हमसे ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन ने कहा ना कि सैकड़ों लोग रोजाना आपकी बुनियाद पे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो लोग बैठे हैं ना, मैं समझता हूँ कि 92% लोग इंशाल्लाह आज रवाना किए जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 100+ लोगों को रोजगार की तरफ रेफर किया जा रहा है। हम ज्यादा लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, और वो जॉबलेस पर्सन जब यहाँ पर आते हैं हम रिस्पॉन्स करते हैं, कनेक्ट करके उनको रेफर कर देते हैं, वहाँ पे छोटा सा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? आप सही हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। 63 शोभा जात में काम करता है, उसका एक यूनिक शोभा है रोजगार जॉब बैंक। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि GM to GM, इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजदूर तबका होता है, लेबर तबका होता है, जो वजन उठाता है, जिसको कोई इतनी अप्रोच काम की नहीं होती। अनस्किल्ड पर्सन भी मेरे पास आ जाए, हर तबके के लिए नौकरी मौजूद है। ठीक है, आप आज आना, आपका काम है, आप प्रोसीजर मुकम्मल करें, चीजों को मुकम्मल करें, फिर क्या होगा कि हमारा अमला आपसे, चूंकि आप आते हो, आप उससे वो मीटिंग करता है, मीटिंग करने के बाद वो ये देखता है कि आज मार्केटिंग टीम की तरफ से कौन कौन से जॉब आई हुई है, फिर क्या होता है कि आने वाले लोग और आने वाले जॉब्स को कनेक्टिविटी करके उनको रेफर कर दिया जाता है। जहाँ पर लोग बेरोजगार आते हैं और रोजगार की तलाश में आते हैं, जो जगह जगह फिर रहे होते हैं ना, रोडों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनको पता नहीं जॉब कैसे मिलेगी, वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सिंपल भादराबाद चारमीनार चौरंगी यहाँ पर आते हैं, और वो जॉबलेस पर्सन जब यहाँ पर आते हैं हम उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए जो जॉब हमारे पास आती हैं कनेक्ट करके उनको रेफर कर देते हैं। वहाँ पर छोटा सा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और सैकड़ों रोजाना की बुनियाद पर आते हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 100+ लोगों को रोजगार की तरफ रेफर किया जा रहा है। कि आज मेहमान है हमारे ना, ये वो बेरोजगार तबका है कि जो नौकरी की तलाश में जिन मुख्तलिफ जगह जाना था कि जहाँ पर लोगों को रोजगार की तरफ रवाना किया जाता है, तो आज ये लोग आए। इनसे पूछा जाए कि क्यों आए, ये आपको बताएंगे कि आज ये क्यों जमा है यहाँ पर, ये हमारे मेहमान है जॉब बैंक, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? तो आपको आज यहाँ पर आए तो इसकी क्या पता चला, कैसे पता चला आपको? राइटर की जरूरत है तो मैं इसी हमारे फॉर्म वॉर्म लेके आता, ये भरवाया मैंने। अच्छा, इंशाल्लाह आज अगला दिन है मेरा यहाँ पर, आपको पता है बिलाल भाई के राइडर्स की जॉब इस वक्त आपने देखा होगा 20,000-25,000 पर मुश्किल से कमाते हैं, और उनको फिर वो फ्यूल के लाले पड़े होते हैं। इस वक्त हमने एक ऐड चलाई कि राइडर की जॉब के लिए 40+ तनख्वाह और 10,000 फ्यूल के अलग दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कंपनी तक अप्रोच कर चुके हैं कि जहां पर इनको हम रेफर करेंगे 40,000 तनख्वाह होगी इनकी और फ्यूल के अलावा अलग मिलेगा इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ये देखिए कि इनका भांजा वो आता है, पहले उसे रिस्पॉन्स किया जाता है, उसकी जॉब लग गई यहाँ से। अच्छा देखिए, खुद बता रहे हैं, ये हकीकत है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने अपने को नौकरी देते हैं, जान पहचान वाले को नौकरी देते हैं, नहीं वो उनके अपने लोग होंगे। भाई देखिए, सारे पाकिस्तान है हमारे अपने, वाकई वो सही कहते हैं, सारे पाकिस्तान है हमारे अपने। तो इनके भांजे की जॉब लग गई और उन्होंने इनको बताया कि आ गया माशाल्लाह, इंशाल्लाह इनको भी रेफर करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आपने लास्ट टाइम देखा होगा दुबई के लिए हमने लोगों को रेफर किया, ये जब मुमकिन होता है कि जब कुछ कंपनी हमसे ज्वाइन होती है। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत स्किल पर्सन की जॉब हमारे पास आई, और KSA सऊदी अरब के लिए जॉब हमारे पास आई ना, लेकिन वो बहुत हाई लेवल की जॉब्स थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौर में ऐसा किया कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दुबई की जॉब प्रोवाइड की है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि टिकट का पैसा भी हमने दिया, वीजे का भी हमने दिया, और यकीन जाने कमाल काम, और उन एजेंट माफिया को डेंट मारा है कि जो लोगों के पैसे लेकर और रफू चक्कर हो जाते हैं, उनको हम ये सिखा रहे हैं, पता नहीं कि खिदमत करने पर आए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आते हैं तो आपने देखा होगा क्या नाम, हमारे जो बाहर के आउटसाइड एरिया है वो फॉर्म लेके चले जाते हैं। जब वो सेकंड टाइम फॉर्म जमा कराने के लिए आते हैं तो वो होता है कि हमारी टीम बैठी है यहाँ पर, ये हमारी वो टीम है कि जो उनसे अभी मीटिंग कर रही है, इनके पास जो जॉब्स आई हैं जो मार्केटिंग के जरिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इनसे उनको मैच कर रहे हैं। जो जॉब्स हमसे, यानी कि जो हमसे लोग मांगे गए हैं इनसे, उसको इसलिए मैच किया जाता है कि जिन्होंने हमें जॉब्स दी हैं मार्केटिंग के जरिए,
तो वो अगर हम उनको उन तक सही लोग रेफर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा अप्रोच करेंगे। इससे ये फायदा होता है कि इन लोगों को एहलियत के हिसाब से जॉब मिल जाती है और उनको एहलियत के हिसाब से बंदे मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पर रेफर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लास्ट टाइम हमने नफ़ बताया कि KSA सऊदी अरब के लिए हमने सेफ्टी ऑफिसर जो एक अच्छी अप्रोच की जॉब कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ऑयल एंड गैस हमने उसको भी रेफर किया। तो ये वो चीज है कि देखिए आपका काम है आना, ठीक है आप आ जाते हो, लेकिन साथ साथ मैं उस कंपनी से भी कहता हूँ कि हमारे पास बेशुमार डेटा मौजूद है, ठीक है 1 लाख प्लस डेटा मौजूद है। अगर आप हमसे अप्रोच करना चाहोगे, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ जो कंपनी मुझे देख रही है कि आप हमारे पास हमसे डेटा लें उन लोगों का कि जो आपका इंतखाब होना चाहती है, हम आपका HR पार्ट बन के आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे कि जो आपका इंतखाब हो। लेकिन सबसे पहले तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत परेशान होते हैं, जाहिर आजमाइश का शिकार होते हैं, खुद अगर जॉब ढूंढते कितनी मुश्किलात का शिकार होता है कि आप गलियों में जाते हो, रोडों में जाते हो, फ्यूल खर्च करते हो, आप यहाँ आ जाते हो। देखो एक चीज हम समझो कि इस वक्त जो हम टोकन के जरिए लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं, टोकन नंबर दिया जाता है और ये एक प्रोसीजर है, तो बहुत से लोग हमसे नाराज होते हैं, कहते 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे। मैं तो कहता हूँ मुझे बताया अगर आप कुछ जॉब ढूंढते तो आप रोडों में जाते, धूप में जाते, अपने फ्यूल को खर्च करते, वो मुश्किल काम था कि यहाँ पर बैठ कर वेटिंग करके आप एसी लगाए, देखे एसी लगाए। तो मैं कहता हूँ कि शिकवे से भी बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं ना, तो शिकवा नहीं करना आपने, ठीक है हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग आते हैं वो ये समझ लें कि वो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे मौसिन है, उनको ये चाहिए कि प्रेफर होकर आए। क्या सर हम कहीं रेफर करते हैं तो देखिए आपके गिरबान के बटन खुले हुए, मुंह है गुटका, अच्छा फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं, अगर आप ड्राइवर हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप कोई अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो सीमित बनी होनी चाहिए। वो चीजें हैं कि जो अगर आपके पास मुकम्मल नहीं होती तो जहां पर हम आपको रेफर कर रहे हैं जिन कंपनीज तक, तो वो आपको फिर वो सही वो रिस्पॉन्स नहीं करती। तो सही रिस्पॉन्स के लिए जरूरी ये है कि आप टाइम पर भी जाएं, एक बात चीजें डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो, और क्या है कि जब वहां पर पहुंचे तो अच्छे अखलाक से बात करें। ये वो चीजें होती है जो आपको जॉब के करीब कर देती है। देखिए हमारा कमीशन तो है ना, कमीशन तो बिल्कुल हम लेते हैं, हम दुआओं का कमीशन लेते हैं, नेकियों का कमीशन लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स कहे कि 1 गिलास पानी का भी उनको तकाजा करते हैं, तो ऑडियंस आपके सामने बैठी है, ये यहाँ से बाहर जाएगी तो अभी तो चलो ठीक है अंदर बैठी है, और ये वहां से बाहर जाएगी तो मैं कहता हूँ चैलेंज है कि कोई भी हमारे शोभा जात के लिए कोई हमें कमीशन ये कह नहीं सकता कि कोई कमीशन है, बल्कि सारे खैर के काम जॉब्स के जाते हैं। आप GM to GM, गनमैन टू जनरल मैनेजर तक लोग हमसे ले सकते हैं, लाखों का डेटा, 1 लाख प्लस का डेटा मेरे पास मौजूद है। तो आपको क्या चाहिए? ये जो पार्ट था ना, ये तो रोजगार पार्ट था, जॉब बैंक पार्ट था, जहाँ लोगों को जॉब पे रेफर किया जा रहा था। ये डिपार्टमेंट वो है कि जहाँ पर हम लोगों को रिक्शा, बाइक और लैपटॉप वगैरह यहाँ से हम देते हैं लोगों को। तो ये डिपार्टमेंट एक यूनिट डिपार्टमेंट है। लेकिन ये जो पार्ट था ना, ये तो रोजगार पार्ट था, जॉब बैंक पार्ट था, जहाँ लोगों को जॉब पे रेफर किया जा रहा था। ये डिपार्टमेंट वो है कि जहाँ पर हम लोगों को रिक्शा, बाइक और लैपटॉप वगैरह यहाँ से हम देते हैं लोगों को। तो ये डिपार्टमेंट एक यूनिट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हजारों हा लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर कीमत से जब किस्तों पर चीज देते हैं तो बढ़ाकर देते हैं, और सिराणी जब कीमत पे जो चीज देता है, बल्कि कीमत पे ही देता है और किस्तों पे देता है और कम पैसों में देता है। बिल्कुल आसान सा तरीके का है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बाइक नीड होती है, जॉब की नीड होती है ना, और वो बाइक के पैसे उनके पास मौजूद नहीं होते। लेकिन सबसे मैंने पहले आप ये देखें कि हजारा फॉर्म हमारे पास जमा है, ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्म जमा है। ये फॉर्म जब लोग रिक्वेस्ट डालते हैं हमारे पास, तो इन फॉर्म को हम क्या करते हैं, छोटी सी इंक्वायरी कराते हैं और चेक करते हैं कि कौन क्राइटेरिया में आ रहा है, क्योंकि सरन जॉब बैंक नीडी पर्सन को ज्यादा अप्रोच करता है, वो देखता है कि जॉब के लिए इसकी बाइक कितनी जरूरी है।